So, today we are going to uh, learn about. Uh, I have already covered the chapter vaccine, no? Yes? Anyone? Yes, sir. Okay. So today we are going to discuss about the immunostimulants, okay? So, what is the immunostimulant? What are the chemical mediators that increase the capacity of the immune cells to? For phagocytosis and others okay so basically uh, we know that aquaculture production is increases day by day so because of increasing stocking density it increases the stress on fishes as well so what will be the way out for prevention of the stress so basically the prevention is better than cure means we have to prevent the stress then only or we can boost the immune system of fishes or hence we can cure the outbreak of diseases okay so basically for that we had we have to need the enhance the fish immune system okay so we need to enhance the fish immune system so how can we do that there are uh, substances that is called immunomodulators means there are certain substances which has an

फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस ओके सो बेसिकलीज आर द इम्यूनो मोड्यूलेटर्स इफेक्ट इज द इम्यूनो सप्रेशन और इम्यूनो स्टिमुलेक्टिक एंड थे इम्यूनो सप्रेशन क्या होता है सो बेसिकली इम्यूनो सप्रेशन प्राइमलीव दोडक्ट है वे

stimulate the non specific immune system on their own or specific immune mechanism when coupled with an antigen so we are knowing that there are two immune system that is the we can uh, subdivide the whole uh, immune system into two way that is the specific immune system and non specific immune system okay so non specific immune uh, system includes all those cells which act non specifically Okay, but in case of specific immune system, they act specifically. Specifically means the known specific pathogen is present, then only they determine they act on that. Okay, so basically, these are lymphocytes like B lymphocytes or T lymphocytes. So, when how these immunostimulation immuno can activate the specific immune system when these immunomodulatory substances are coupled with सम पर्टिकुलर एंटीजेंस ओके जैसे कुछ इम्यून इम्यूनोमुलट हैं, जो इनको किन से कपल किया जाता है कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन से कपल किया जाता है तो ये क्या करेंगे स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है उनको भी बूस्टअप करेंगे और इनके साथ साथ जो अदर नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है जैसे आ, आपके आ, अदर सेल्स न्यूट्रोफिल्स या फेगोसाइटिक सेल्स इनको तो इंक्रीज करते ही है जैसे देर आर वेरियस काइंड ऑफ Substances हम लोग देखते थे कि जब बचपन में दादाजी या फिर वो जैसे ही ठंड आती थी हम लोग क्या करते हैं या तो अदरक के साथ चाय मिला के पीना शुरू कर देते हैं या तो च्यवनप्रास में च्यवनप्रास खाना शुरू कर देते देर आर सर्टेन एजेंट्स ओके दैट इंड्यूस द प्रोडक्शन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ नॉन स्पेसिफिक इम्यून सेल्स ओके okay, तो उनकी जो ग्रोथ होती है उनका जो डेवलपमेंट होता है वो इंक्रीज कर देता है सो द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म का या फिर उसके प्रोडक्ट्स होंगे बाय प्रोडक्ट्स क्या उनके जो आ, कुछ आ, जो वो रिलीज करते हैं मतलब एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो टॉक्सिन्स हो सकता है यानी उनको

बैक्टीरियल डेरिवेटिव्स में क्या-क्या है जैसे फ्यूल्स कॉम्प्लीमेंट एडजुवेंट जिसको बोलते हैं एफसीए ओके लाइपोपॉलीसेकेराइड्स ग्लाइकोप्रोटीन म्यूरामाइल पेप्टाइड्स देन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम सेल्स दीज आर बैक्टीरिया विब्रियो एंगुलरम सेल्स एक्रोमोबैक्टर स्टिनोहेलिस गर्डलेन सो बेसिकली दीज आर देयर आर वेरियस बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ इम्यूनोस्टिमुल Which can act as okay. तो ये जो है, बीटा -वन और पॉलीसेक्राइड मोलिकल्स हो सकते हैं जैसे काइटीन हो गया काइटोजन हो गया ऑलिगोसेक्राइड ग्लुकैन या फिर आप लोग जानते हैं जो उसके एक्सकेलेटन होते तो वहां से भी हम लोग जो है ये इम्यूनो स्टिमुलेंट बना सकते हैं एनिमल और प्लांट एक्सट्रैक्ट में क्या है ईटी ईटी क्या है ये एक स्पीसीज का नाम है जो ट्यूनिकेट स्पीसीज है उन्हीं से ये डिराइव किया गया है टर्म ईटी ठीक है एच डी एच डी जो है वो एक एवेलोन का स्पीसीज उसको शॉर्ट में एच डी हम लोग बोलते हैं तो ये सब कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं दैट कैन बी यूज्ड एज इम्यूनो स्टिमुलेंट्स फायरफ्लाई स्क्विड

के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं क्या अब इसी के बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है आप लोग इसको देख सकते हैं आई स्लाइड टू ऑल ऑफ यू दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम द सेल वॉल्स ऑफ माइक्रो बैक्टीरिया एंड रिलेटेड नोकार्डिया एंड कॉर्नी बैक्टीरिया

और जिसके कारण क्या होता है यहां पे आपको जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं ऑल्सो यूज एज एन ऑयल होल्ड इम्यूनो स्टिम्युलेटरी सब्सटेंसेस विद इन ऑयल ग्लोब्यूल्स आफ्टर इंजेक्शन रिलीजिंग देम स्लोली इन टू द टिश्यूज ओके तो यही है जो ऑयल होते हैं ये इम्यूनो स्टिमुलेटरी सब्सटेंसेस जो सेलवाल उसमें हम लोग

how many persons they have taken the vaccination yes sir yes sir so have you experienced the granuloma matlab kuch aisa ho gaya ki wahan pe tumor jaisa aisa kuch feel hota hai ya wahan pe pain hota hai so basically these cause yes. granuloma okay yes sir तो wow. so, क्या होता है ये ओपन लेसन Pain होगा हो और वो क्यों होता है Granuloma formation हो जाता है मतलब granuloma कहने का क्या मतलब है When these substances are given at the particular site, then the

reduce the risk of infection, okay, then they cause drastic reduction in growth. wo slow ho आप देखेंगे ठीक है so हम लोग अब हम लोग यदि एनर्जेटिक्स यदि फिजियोलॉजी हम पढ़े तो एनर्जेटिक्स का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में यूज होता है ठीक है फॉर रिप्रोडक्शन फॉर ग्रोथ फॉर इम्यूनोमोडुलेशनोली वेन पार्टीनिंग द एनर्जी देन द ग्रोथ एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड ठीक है तो वहां पर इन दैट केस जब हम हेल्थी फिश लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ पे भी इफेक्ट होता है बैक्टेरियल

डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लाइपोपोलीक्टिवेट्स बोथ मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट ठीक है तो ये क्या करते है? ये जो एनिमल होता है ये लाइपोपोलीसेक्राइड को आ, एक बार आइडेंटिफाई किए तो फिर ये मैक्रोफेज और लिंफोसाइड क्योंकि लाइपोपोली पर्टिकुलर कंपाउंड दैट इंड्यूसेज द प्रोडक्शन ऑफ बी लिंफोसाइट एंड टी लिंफोसाइट

Uh, adapt prior to a disease break is called a prophylaxis measure. So basically, these are the prophylactic and the, these act as a prophylactic agent. So in next time, when these gram-negative bacteria will cause infection, our their body, the fish body, will identify these cell wall content and they will neutralize that particular pathogen. Okay. so why these these are known as as complex because these because lipopolysaccharide molecule they act body एक डाल्टन साइज का जब तक हमारे वो मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में नहीं जाएगा हमारा बॉडी जो है वो इम, इम्यून सेल्स को इंड्यूस नहीं करेगा तो यहाँ पे हम लोग उसके साथ एडमिक्स करते हैं या तो ऑयल के साथ या फिर किसी

So basically, this is the uh, chemistry of it. That number of branches on beta-1,3-glucan is low compared to those of fungi. So their cell wall uh, component is beta-1,3-glucan, but although they are less in proportion when we compare with the fungi, they show anti-tumor activity. So basically, these glucan molecules show anti-tumor activity, and they have a various utility. एंड दे एक्ट एज ऑल्सो फूड एडिटिव ठीक है उसके टेस्ट को इनहस करने के लिए या देन फंगल डेरिवेटिव क्या क्या है अदर है बीटा ग्लुके से मोस्ट प्रोमिसिंग एज एन इम्यूनोस्टिमुलट दे आर पॉली ग्लुकोज मॉलिकुल्स एंड लिंक थ्रू द बीटा वन थ्री बॉन्ड इन अ लॉन्ग चेन विथ बीटा वन सिक्स ब्रांचेस सो हाउ दे आर हाउ दे आर इंटरलिंक टू ईच अदर so they mainly activate the macrophages and stimulate the immune response depends on size of the particle so basically these are uh, certain molecules they act as a immunostimulatory compounds okay you see how they are interlinked with each other so this is the beta 1-3 linked branch and this molecule is coupled with this uh, uh, another glucan molecule is with the beta 1-6 branch point. Okay. So this is a beta 1-6 branch point, how they are interconnected with each other. So, what is the mode of action? These are the most commonly observed macrophage activators in nature. And they are specific receptors for the beta-1-3 glucans present on the surface of macrophages when activated, and they stimulate the cascades of events, turns the body into an arsenal of defense. तो ये कैसे डिफेंस का जो है वो आ, एक हथियार के रूप में यूज किया जाता है सो व्हाट इज द कास्केड ऑफ इवेंट्स इन क्रस्टेशियन अब क्रस्टेशियन में कैसे ये इम्यूनो स्टिमुलेटरी सब्सटेंसेस एक्ट करते हैं सो बेसिकली जो लाइपोपोलिसक्राइड मोलिकूल है या बीटा वन थ्री स्ट्रक्चर है ये क्या करते है? एक्टिवेट करते हैं प्रोफेनोलॉक्सीडेज सिस्टम को प्रोफेनोलॉक्सीडेज सिस्टम क्या होता है बेसिकली

या जो बीटा बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं ये हीमोसाइट्स के ऊपर में होते हैं रिसेप्टर्स के रूप में ये बाइंड कर गए जैसे ही ये बाइंड किए हीमोसाइट्स ये क्या करेंगे अब जो हीमोसाइट्स होते हैं जो ग्रेन्युलर सेल्स या सेमी सेमीग्रेनुलर सेल्स होंगे इनको ये करता है डिग्रेनेशन में हेल्प करता है जैसे ही ये डिग्रेन्यूलेट हुआ यानी वो रप्चर हुआ सेल दे विल रिलीज ईच एंड एवरी ग्रेन्यूल ऑफ दी सेल्स प्रोफेनोल ऑक्सीडेज एंजाइम ओके अब ये ग्रेन्यूल जो है ये पर्टिकुलर एंजाइम कैरी ऑन करता है ये एंजाइम जैसे ही जैसे ही ये ग्रेन्यूल रप्चर हुआ ये अब ये जो प्रो फॉर्म है फेनोल का ये प्रो रिलीव हो जाता है और यहां पे ये enzyme, जो शरीर प्रोटीन है ये फॉर्म में बन जाता है ठीक है वंस बीटा ग्लूकेन बाइंडिंग प्रोटीन ऑन द हिमोसाइड दे बाइंड बीटा ग्लुकेन बाइंड प्रोटीन दे एक्टिवेट एंड दे ग्रेन्युलेट द

अब ये जब मेलानिन बना दिया मेलानिन इज इट सेल्फ एक्ट एज अक्रोबिसाइडन ओके ये पिगमेंटेशन है जब भी किसी श्रिम्प में कोई इन्फेक्शन आता है तो वहां काले काले मेलानिन फॉर्मेशन हो जाते हैं ब्लैक पैचेज हो जाते हैं सो बेसिकली दिस इज ड्यू टू द मेलानिन फॉर्मेशन सो मेलानिन हैव एंटी एक्टिविटी एज वेल एज दी सेमिक्यूनोन है समझ में आया कि कैसे ये सेल्फिश uh, में या क्रस्टेशन में काम करता है मैक्रोफेजिट में कैसे uh, ये बीटा वन थ्री या बीटा वन सिक्स आइडेंटिफाई करता है सो बेसिकली मैक्रोफेजिट पे जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं ये बाइंड करते हैं वहां पर ठीक है और फर्दर जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं ठीक है सी जैसे सी ये क्लस्टर डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं

ये जो ऑप्शन ऑप्शनाइजेशन कैपेसिटी है वो भी इनक्रीज कर देता है करता है मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है इसको हम लोग इस पिक्चर से समझ सकते हैं देखिए जैसे बीटा वन थ्री या बीटा वन सिक्स ग्लूकैन पार्टिकल है ये क्या किया इस रिसेप्टर से बाइंड किया टॉल राइट रिसेप्टर्स आर द मेम्ब्रेन प्रोटीन ठीक है ट्रांस ट्रांसमेंब्रेन प्रोटीन मतलब ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में इम्बेडेड होता है ठीक है टू पोर्स होते हैं और कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट टॉल लाइक रिसेप्टर देर आर टॉल लाइक रिसेप्टर आर बेसिकली द प्रोटीन बेसिकलीज आर द ट्रांस द्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच इंड्यूसेस एंड एक्टिवेट्स अ पर्टिकुलर सेल्स टू न्यूट्रलाइज और इंड्यूसेज कैपेसिटी ऑफ फेगोसाइटिक सेल्स ठीक है तो ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको इंड्यूस करता है और इनका काम क्या क्या होता है बेसिकली पार्टिसिपेट इन माइक्रोवेल की जो इनफ्लामेशन होता है ठीक है इनकेस ऑफ फिश द फीवर विल नॉट बी अकर बट अदर साइन ऑफ इन्फ्लामेशन लाइक क्या क्या होता है ट्यूमर स्वेलिंग लॉस ऑफ फंक्शन ठीक है देन रेडनेस ये चार तो होंगे ही तो ये इंफ्लामेशन को इंड्यूस करता है ठीक है वाया इंटरल्यूकीन वन

रिसेप्टर फॉर बीटा ग्लूकैन प्रेजेंट ऑल्सोलियल से लाइनिंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट अब ये बीटा ग्लूकैन क्या होता है हम लोग गाल्ट या माल्ट पड़े थे ये क्या होता है बीटा ग्लूकैन कभी कभी जो गट एसोसिएटेड लिम्फॉय टिश्यू होते हैं उस जो लिंफॉयड टिश्यू के जो रिसेप्टर वहां भी बाइंड करता है और फिर फर्दर वहां पर इंटेक्स होता है सेम

दे हैव द एबिलिटी ऑफ ग्लूक्रॉस लिंक रिसेप्टर ठीक है तो so, ये कैसे एक दूसरे को सेम है मोर और लेस so, like uh, जो भी है मैक्रो ग्ड हो गया बीटा फैक्ट्रीन हो गए ये अलग अलग कंपाउंड है जो अलग अलग ऑर्गेनिम से, से प्रिपेयर किए जाते हैं जैसे बीटा फैक्ट्रीन इज प्रिपेयर फॉर्म स्टेफाइलोको का

दे इंक्रीज इम्यूनोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक एनबीटी ठीक है यह एनबीटी ऐसे होता है एनबीटी क्या होता है, ये जो होते है उसमें माइलोपेरोक्सीडेज एक्टिविटी को ऐसे करने के लिए एनबीटी ऐसे किया जाता है सो बेसिकली वट दे इंक्रीज दी ऑफ माइलोपेरेक्सीडेज एनजाइम माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम कहा होता है न्यूट्रोफिल्स में होता है पोटेंशियल किलिंग ज एंड टोटल आईजी कंसेंट्रेशन अब ये जो और को क्या करता है, कर देता है. Other, दूसरे क्या है? और है जो, जो कीज का नाम है दीज आर द्लाइकोप्रोटीन ऑफ वाटर एक्सट्रेक्ट फ्रॉम एबेलोन एंड दे एनहेंसेज दिलिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स दे एनहैंसाइटोसिस दे इंक्रीज सर्वाइवल फॉलोइंग चैलेंज विथ सर्टिन बैक्टीरिया और एनी इन्फेक्शस पैथोजन दे इनहांस नेचुरल की सो देर आर अदर सब्सटेंसिस यू कैन गो थ्रू इट इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट यू कैन डिस्कस विथ मी सो अदर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स लाइक विटामिन सी ओके विटामिन सी हम लोग अभी भी जानते हैं कि कोरोना में वाइटामिन सी या लिम सी जो हम लोग यूज करते हैं दीज आर द एंटी ऑक्सीडेंट

फीस कितना होना चाहिए तो बेसिकली इट शुड बी डोज लेवल कितना है तो so, थ्री 3000 एमजी पर केजी पर डाइट ठीक है और हमेशा कितना होना चाहिए थाउजेंड टू थ्री 3000 एमजी पर केजी पर डाइट होना चाहिए एक फीस में ठीक है 1 केजी की यदि फीस है तो उनका डेली डाइट जो है वो कितना विटामिन सी का होना चाहिए विटामिन किस किसको बोलते हैं ये टोकोफेरोल है सो so, These are also naturally occurring antioxidant. They enhances both humoral and cellular immune response. They increases phagocytic indices and superoxide anion production by Okay. They enhance the antibody production against bacteria like Yersinia Rucheri. Yersinia Rucheri is a gram positive bacterium. So they increases serum complement function and ability of serum to opsonize bacteria. Okay, or these you have basically they

सॉरी uh, uh, जो लिम्फोसाइट का लिम्फोसाइट uh, क्या होता है uh, uh, मेरी मेरी बात सभी कोई सुन रहा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस यस क्लासिकल कंप्लीमेंट में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है ओके बेसिकली ह्यूमंस में क्या होता है और फिशेस में एक डिफरेंसेस है क्या डिफरेंस है कि इन केस ऑफ ह्यूमन द नंबर ऑफ लिम्फोसाइट विल बी हाइयर इनकेस ऑफ फीसेस नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज हाइयर कंसंट्रेशन के हिसाब से यदि देखा जाए पर डेसी लीटर ब्लड में यदि देखा जाए तो न्यूट्रोफिल्स हाइयर होता है ठीक है तो यहाँ पे अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे याद कीजिए वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाता है बेसिकली क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे में इसीलिए जो फीसेस होते हैं वो बेसिकली दे रिलाय ऑन अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे रदर देन दैट ऑफ क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे ठीक है आप लोग कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से पढ़िए तो देन uh, फिर हार्मोन साइटोकाइंस अदर हार्मोन्स क्या हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन या प्रोलेक्टीन्स हम लोग करते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन्स भी हम लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिन दे दे आर यूज्ड इन द एंटी स्ट्रेस हार्मोन ओके सो दीज आर दे डायरेक्टली एफेक्ट कॉम्पिटेंट सेल्स माइक्रोफेजेज लिम्फोसाइड्स एंड नेचुरल किलर सेल्स इन केस ऑफ आर द नेचुरल साइटोटॉक्सिक सेल्स इजंट इट एनसीसी नेचुरल किलर सेल्स आर फाउंड इन मैमल्स Especially in case of humans, mitogenic activity on lymphocytes and they activate natural cytotoxic cells in fishes growth hormone receptors are present on the monocytes and lymphocytes. then they enhances the production of superoxide anions by these leukocytes and further melanocyte stimulating hormone okay? or and MCH.

then they possess two iron binding sites so hence because they having the two iron binding sites so they deprive the pathogens which need the siderophores, ठीक है जो डिफरेंट sidero force होते हैं जो बैक्टीरिया को जो कीमोट्रोप्स होते हैं जिनको आयरन मॉलिक्यूल्स चाहिए तो they compete with them and they restrict the growth of bacteria by competing these iron molecules okay

And they stimulate the macrophages to secrete interleukins, tumor necrosis factor, and colony stimulating factor, CSF, okay, which in turn stimulate the formation of monocytes and granulocytes. Clear? So, how they, once they stimulate the formation of monocytes and granulocytes, they potentiates the activity of antibiotic against bacterial infections and enhance the disease resistance in patients.

So basically they are used for the treatment of nematode infections in humans and animals. Okay, even though these anti-helminthic drug can be used in case of feces which are infected with the nematodal infection. Okay. Then they enhance the phagocytic activities of neutrophils. They increase the number of phagocytes and leukocytes. So more or less you see that they increase the non-specific immune cells. These, are, these these. may be neutrophils, these may be phagocytic cells and other leukocytes. Apart from when they are coupled with the particular antigenic molecules, they stimulate the specific immune system. So clear? Drawbacks kya Narrow dose can create a stimulation whereas high doses can immunosuppression. So see, what is the drawback is there is a one popular phrase is that the dose differentiates between a poison and a remedy once the dose is higher they act as a immunosuppressive molecules because they bind with the immune they bind with the receptors of immune cells so they suppress the immune cells to react with the particular antigen but when they are given in an adequate uh, amount they can act as immunostimulatory molecules okay so, there are other molecules like FK565. These are the derivatives of Streptomyces oliva, olivaceogracius. Okay, so these are the peptide molecules related with the lactyl tetrapeptide isolated from cultures of these bacteria, Streptomyces. They increase the disease resistance, increase the phagocytic ability. So, how can we administer the immunostimulant? Is by injection. इमरसन और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है ना हम लोग कैसे इनका जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे हम लोग आप, आपको बताए हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग क्या क्या है वट आर द पोर्टल ऑफ एंट्रीज हैनी वन